अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक ऐसी टूटी को बनाऊंगा जिसका हेड जो है वो ऊपर से घूमता रहता है लेकिन टूटी से पानी नहीं निकलता। ये देखें, इसका हेड जो है वो मुसलसल घूम रहा है लेकिन अंदर से स्पिंडल जो है वो नहीं खुल रहा, तो टूटी से पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो इसके पेच के ऊपर भी काफ़ी जंग लगा हुआ है, उसको भी हम देखेंगे कि उसे कैसे खोलना है। अच्छा, इसके पेच को हम यहाँ पर नहीं खोलेंगे वरना टूटी टूट सकती है, तो टूटी को जो है हम यहाँ से खोल लेते हैं। पीछे से हमने इसको खोलना है, इन पेचों को खोलने के लिए आप जो है टूटी को पीछे से खोल लिया करें, कहीं ऐसा ना हो इसकी चूड़ी जो है वो टूट जाए। तो इसके ग्रिप जो हैं वो काफ़ी ख़राब हैं, तो मेरा जो स्क्रू रेंच है वो कहीं काम नहीं कर रहा था। इसको हम खोल के फिर इसके पेचों को खोलेंगे क्योंकि इसके ऊपर चोट लगानी पड़ती है काफ़ी सारी, तभी जाके ये पेच खुलता है। आप देख रहे हैं कि पीछे से पानी आ रहा है, तो मैं इसके ऊपर एक कॉक लगा देता हूँ ताकि पानी ज़ाया ना हो। चलें जी, पानी बंद हो गया है तो इसे थोड़ा टाइट कर लेता हूँ। अब हम इस टूटी के हेड को पेज को खोलेंगे। सॉरी दोस्तों, मेरी ज़रा तबीयत ख़राब है, तो आजकल आपको पता है सर्दी है तो बुखार है हर बंदे को, मुझे भी काफ़ी दिनों से बुखार है, तो अब कुछ तबीयत बेहतर है मेरी, तो मैं इसके ऊपर काफ़ी सारी जल्दी जल्दी चोट लगा लेता हूँ, ये ऐसे नहीं खुल रहा पेज। तो अच्छी खासी मैंने इसके ऊपर चोट लगाई है, तो ये जो पेच है आप देख रहे हैं कि पेच तो ठीक है लेकिन ये अंदर स्पिंडल के अंदर जो स्पिंडल है इसका वो अंदर से ख़राब है, तो पेच घूम रहा है लेकिन खुल नहीं रहा क्योंकि वो अंदर से स्पिंडल ही इसका घूम जाता है। तो मैं इसे एक बार फिर ट्राई करता हूँ, शायद खुल जाए या स्पिंडल अंदर से रुक जाए, लेकिन नहीं, पेच आप देख रहे हैं कि घूमता है लेकिन खुलता नहीं क्योंकि इसका जो स्पिंडल है वो अंदर से ख़राब हो चुका है, उस वजह से इसका पेच जो है वो खुल नहीं पा रहा। मैं थोड़ी और कोशिश कर लेता हूँ इसके ऊपर चोटे वगैरह लगाकर ताकि मैं इसे पेच को खोल सकूँ। जब तक ये नहीं खुलेगा तो हमारा हेड जो है वो टूटी का वो बाहर नहीं निकलेगा। अच्छा दोस्तों, कुछ दिनों में मैं अपनी व्लॉगिंग की वीडियो, अपनी लाइफ की वीडियो, लाइफ रूटीन की वीडियो जो है वो भी शेयर करूंगा आपके साथ, आपने वो भी देखनी है। तो मैंने अच्छी खासी इसके ऊपर चोट लगा कर देख ली, ये नहीं खुला, घूम जाता था, तो अब मैं इसके जो पेच है उसको तोड़ने की कोशिश करूँगा कि इसके जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको मैं किसी तरह से इसको तोड़ दूँ ताकि जो हेड है वो बाहर निकल आए। वो भी ऐसे नहीं टूटता, उसके ऊपर फिर चोट लगानी पड़ती है तब जाके वो टूटता है। ये देखिए, मैंने इसके ऊपर काफ़ी सारी चोटें लगाई थी तो उसके एक तरफ का हिस्सा जो है वो टूट गया है। तो अब मैं इसे प्लास की मदद से इस हेड को निकालने की कोशिश करता हूँ, शायद ये निकल आए, मेरी उंगली पर चोट भी लग गई है। चलें, ये हेड हमने निकाल दिया। ये देखें, मैंने पेच को एक तरफ से तोड़ा था कि
क्योंकि स्पिंडल जो है वो अंदर से ख़राब है, वो अंदर से ही घूम जाता था, जिसकी वजह से पेच जो है वो नहीं खुल पाया। तो इस तरह करके आप भी अपने, चोट लगी है मेरी उंगली पर, इस तरह करके आप भी अपनी जो स्पिंडल है उसका पेच जो है उसे, अगर वो नहीं खुल रहा तो उसको आप तोड़ सकते हैं। तो स्पिंडल को मैं खोल लेता हूँ। हम इसकी जगह एक नया स्पिंडल लगा देंगे, क्योंकि ये स्पिंडल ख़राब हो चुका है। ये देखें, बहुत ही ये जाम हो चुका है, बिल्कुल भी नहीं घूम रहा, जिस वजह से इसका हेड जो है वो स्लिप हो गया है। स्पिंडल की ख़राबी की वजह से इसका हेड जो है वो ऊपर से स्लिप हुआ है। ये देखें, मैं अच्छे से इसको घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं घूम रहा। अंदर से ये इतना जाम हो चुका है, फंस गया है। इसकी जो चूड़ियाँ होती हैं अंदर, वो कहीं मतलब इतनी जाम हो चुकी है कि ये घूमता नहीं है अब। ये देखिए, मैंने निकाला है इसे, बिल्कुल भी ये ख़राब हो चुका है। इसकी जगह हम नया स्पिंडल लगाएंगे। मैंने ले लिया है स्पिंडल हेड के साथ। तो ये देखें, बिल्कुल फिट है। अच्छे से ये काम कर रहा है, तो हम इसी को फिट करते हैं इस टूटी के ऊपर। तो जल्दी से मैं इसके ऊपर धागा वगैरह लगाकर, टेफलॉन लगाकर इसे फिट कर लेता हूँ। उसके बाद जो है इस टूटी को चलाकर भी आपको दिखा दूँगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लें, ताकि मेरी इस तरह की वीडियो भी आपको मिलती रहे। तो पेच लगा लेते हैं इसके ऊपर, और इसे मैं जल्दी से यहाँ पर फिट करके चला के आपको दिखा देता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मेरे घर में काफ़ी बच्चे हैं तो शोर बहुत होता है, वीडियो बनाना और रिकॉर्डिंग करना मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। चलें जी, टूटी हमने फिट कर दी है, चला कर दिखा देता हूँ आपको। ये देखें जी, इसका स्पिंडल बिल्कुल ज़बरदस्त काम कर रहा है। तो स्पिंडल भी बड़े छोटे होते हैं, आप उनको भी देख के लगाया करें। बाज़ुकात हम बड़े स्पिंडल लगा देते हैं तो उस वजह से पानी जो टूटियों में कम आता है, और छोटा स्पिंडल हो तो वो अंदर अटक जाता है, फिर परेशानी होती है। आप उसी साइज़ का स्पिंडल लगाया करें जिस साइड का उसमें से निकलता है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।